पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। पटना एयरपोर्ट पर वैशाली का वांटेड लुटेरा कारतूस के साथ गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने वैशाली के वांटेड लुटेरा अविनाश कुमार को 3 कारतूस के साथ पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी अविनाश कुमार वैशाली के सदर थाना क्षेत्र के दिघी कला वेस्ट का रहने वाला है। जांच के दौरान तीनों कारतूस उसके जींस के पैंट की पॉकेट से बरामद किया गया। वैशाली व पटना के अगम कुआं समेत आधा दर्जन लूट कांड के मामले में वह वांछित चल रहा था। चुनावी सभाओं पर हमले की आशंका, पुलिस मुख्यालय ने जिले के SP को किया अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर लगातार जारी है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट में चुनावी सभाओं पर हमले की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के SP और सभी रेंज के IG DIG को अलर्ट कर दिया है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल से 2 दिवसीय बिहार प्रवास पर कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर देश भर के नेता पहुंच रहे हैं। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। वे 20 अक्टूबर से 2 दिवसीय प्रवास पर बिहार में रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बाहर से बिहार आने वाली 3 ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव, नई पूजा स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस बीच पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल से चलने वाली 3 ट्रेनों के पहुंचने और छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने रविवार को बताया कि अहमदाबाद, दरभंगा, क्लोन और छायापुरी स्टेशन, गांधीधाम, भागलपुर स्पेशल के अहमदाबाद स्टेशन और अहमदाबाद पटना क्लोन के छायापुरी स्टेशन पर पहुंचने व छूटने के समय में बदलाव किया गया है। नवादा में SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली पप्पू रविदास को किया गया गिरफ्तार। नवादा थाना क्षेत्र के गंगटा गांव में सोमवार को सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी को सफलता हाथ लगी है। SSB के कमांडेंट PS सलाड़िया ने निर्देशानुसार फतेहपुर कैंप के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में रजौली पुलिस के थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी, सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के सहयोग से टीम बनाकर सूचना के आधार पर आरोपित नक्सली पप्पू रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर का तेजस्वी पर निशाना, कहा राजद के मुख्यमंत्री उम्मीदवार 9वीं फेल व 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। आज देश के कोने कोने में संचार सेवा है, यह नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। राजद के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वह 9वीं फेल हैं और वह 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यह बात बिहार के अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही है। बिहार में मिले कोरोना के 912 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,51,024। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 912 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,51,024 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,533 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं।
पप्पू यादव को लगा बड़ा झटका, 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही सोमवार को तीसरे चरण के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी। नीतीश ने तेजस्वी पर बोला हमला, पूछा 10 लाख नौकरी दीजिएगा तो पैसा कहां से आएगा। गया में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने पर सवाल खड़ा किया है। नीतीश ने कहा है कि कुछ लोग को ज्ञान नहीं है, दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां देंगे तो पैसा कहां से आएगा। ऐसा ना हो कि अपना अलग ही काम धंधा चालू कर लें। कहने से कुछ नहीं होता, करने का अनुभव होना चाहिए। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर 7 आईपीएस समेत 11 अधिकारियों की लगी ड्यूटी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा आयोजित किया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट की बात करें तो बिहार पुलिस मुख्यालय सजग है। पीएम की सभा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।